क्योंकि फ्रंट ते हैगा सानू बड़ा खतरा रहिंदा क्योंकि इस साइड साडा समझ लो कि यह घर आ जिहड़ा कमरा खड़ा हैगा यह बाई दा ते यह समझ लो कि यह रोड चलता पे परलिया साइड ते इधरों दी चोर वगैरह या कोई शाय भी इधरों आके ना साडे घर दे उत्ते चढ़ सकदे ने आराम नाल क्योंकि आ देखो आराम सुकून नाल जिहड़ा हैगा ना हाथ आराम नाल पहुंच जांदा इस करके जिहड़ा कि फ्रंट उच्चा हो जाएगा ना फिर यह भी फिक्र मिट जाएगी चोरां वाली या कुछ घर दे विच बंदा आंदा जांदा ना अलहमदुल्ला जी जेड़ा ना तीसरा पूर भी तैयार हो गया माशाल्लाह ते बड़े ही प्यारे बने ने माशाल्लाह देखो अंडा तो खा ला पहले अज ही नाश्ता चल रहा शाम नू केश दा कट्टे दा गोश्त अम्मी होरां ने पकाया सी ते अज अम्मी होरां दे ले बैठे होए आ सी नाश्ते पानी अज ना इत्थे साडे चल रहे ने ते नाल अंडे मैं लाए ने उत्थों बाहर फेरे वाले कुछ जेड़े गरम अंडे करके बेचदे उहनां कोल सारे बच्चियां ने लै दित्ते ने अमना भी खा रही है ते अब्दुल वहाब भी खा रहा तू भी खा रही है की बलां पवा दित्ती सांझा अज तानू एक जड़ी ना चेंजिंग नजर आ रही होगी भला की चेंजिंग कीती है की चेंजिंग की है बेडशीट पा दी असी बैड ते तुसी काफी सारे बहना भाई कमेंट कर रहे सी ना बेडशीट पा दो असल ते थल्ले वाली साइड ते हैगी सी इत्थे सिर साडा जिहड़ा ना सीमेंट दा बनया होया बैड इहदे उत्ते पाई हुई सी ते थलो कढ के जिहड़ी है ना अज सुबह सुबह जिहड़ी ना सी उत्ते पा दित्ती ते सफाई करन ना ते उत्ते पा देंगे नहीं हूं सही लग रही है तकरीबन की आंदी है दो किताबां एक की आंदी दो किताबां दे विच पा के दे हां आ दो है इस अच्छा ते आ भी विच पांदी पा के दे इन पढ़नी है तमदियां को आ वो तो पहनी है मैं बाहर आई दो लिख लांदा के मैं फिर फ्रेंड खड़ेगी ए जे की दी किताब है अल्लाह जान कच्ची दी तलाबा तेरियां किताबां तेरी फड़ी गईयां दार पिता जी तेरी मां दी तेरी बच्चे जेड़े हैगे ना तैयार हो गए चलो चलो बेगम साहब कर रही सफाइयां क्योंकि ऐले जेड़े कंडे ना इत्थे रखे सी दरवाजे दे अगे ते ऐले चीर भरे सी ताकि इधरों कोई लंघे टप्पे ना फिर जेड़ा ना जल्दी मजबूत हो जांदे ने सर्दी च वेख तां खुश्क नहीं हुंदा अब्दुल वहाब नु चक्या होया है मैं हाँ ते आज नाले घर दी सफाई भी चल रही है वो भी तुहानू जिहड़ा दिखाने आ रात नु अचानक जिहड़ा है ना साडा प्रोग्राम बनिया सी कि ऐ वालियां जिहड़ियां दुकानां हैगियां एक ऐ ते एक ऐ ते को तीन दुकानां फ्रंट ते साडी पैंदियां ने चौथी जगह ते गेट लग्या होया कि ए वाली दुकान खाली करके ते ए वाली करके ना एक बैठक मेहमाना वास्ते ते एक वाली जगह गिराज बना देवांगे जिंदे विच गर्मियां सर्दियां दे विच जिहड़ा है तंदूर वगैरह रख दित्ते एक ते एक तंदूरां दा जिहड़ा है ना ए वाला जिहड़ा समान हुंदा ऐ तंदूर बनावण दा इह इहदे विच रख्या करांगे क्योंकि हुण इहदे विच समान रख्या होया सी लेकिन दुकान जिहड़ी ना गहरी बड़ी है तकरीबन रोड नाल इक तां पानी इहदे अंदर चला जांदा है ते दूसरा जिहड़ा ना इहदा रस्ता बहुत छोटा हो गया क्योंकि शटर छोटा हो गया तकरीबन 2-3 फुट दा जिहड़े वड्डे तंदूर हैगे ना उह तकरीबन अंदर बिल्कुल नहीं रखे जांदे फिर बाहर कढ़न दा ही काफ़ी सारा जिहड़ा ना मसला हुंदा है ते अबू जी ने कहा कि कुछ पैसे जिहड़े हैगे ना मैं दे देवांगा कुछ तू पैसे पा के रल मिल के जिहड़ा है ना ये फ्रंट उच्चा कर ले लवीए मैं हाँ चलो ठीक है रात नूं अचानक ही जिहड़ा ना साडा प्रोग्राम बणिया सी ते मिस्त्री उधरों तकरीबन खत्म होवेगा ना ते इत्थे ला देवांगे फौरन ते ए फिर अबू जेड़ा ना काम कराई रखेगा ना मिस्त्रियां को आपे ही ते ए भी जेड़े ना दरंगे वगैरह जेड़े ना इंदे बनदे हन ना तंदूर तंदूरां च पैंदी कट वड के मुक गईयां चलो खत्म हो गए हुण आ दाने वाली बड़ोली रह गई आ ते आ दो पेटियां रह गईयां ने उधर जेड़े ना बरांडे थले रख देवांगे जिन्नी देर तक ए जेड़े तैयार हुंदे पहले भी असीं एक बारी पट्टी कि दो बारी मेरे ख्याल पट्टी एक बारी पहले भी असीं रोड बनाया सी जदों ना निशान लगे हुण पहले थले आ गए सी गाडर पट के उच्चा कीता ते जदों दूसरी बारी फिर रोड बनिया फिर तां बिल्कुल ही जेड़ा ना काम खराब हो गया क्योंकि रोड उन्होंने तकरीबन 6-7 फुट उच्चा कर दिता
पांच एक फुट तकरीबन उच्चा रोड कर दिता। पहले एक बार रोड बनया से उन्होंने फुट एक उच्चा किया, असी फुट पट के दुकाना उच्चिया कर दतिया ते काम सही हो गया सी। फिर बाद विच रोड बनया चार पांच फुट ते बिल्कुल दुकाना जिहड़ियां ना खत्म ही हो गई साडियां तकरीबन ना। पिछे घर तो हुण ठीक बन गया, वह तो नज़र आ रहा हो गया, लेकिन फ्रंट की जिहड़ी हालत है ना बहुत ही कचरा कचरा हुई भी तुसीं देख सकते हो। इस करके सोचा ना कि फ्रंट नूं भी जिहड़ा ना साडे गवांढ वी आ भाईआं ने जिहड़े ने अपनी दुकान पट के उच्ची कीती आ ते साडे हमसाए हैगे इन्होंने दुकानां दुकूनां पट के जिहड़ियां उच्चियां कीतियां ने ते मैं सोचा ना बहुत बुरा लग रहा है, तुसी देख सकते हो खंडर लग रहा है, इंज लग रहा इत्थे कोई रहिंदा भी कोई नहीं है। इस करके मैं सोचा दुकाना थोड़ियां बहुतियां जिहड़ियां उच्चियां करके ते कोई लोकेशन बन जाएगी घर दी, होर नहीं ते बड़ोली भी कर रहे हैं खाली क्योंकि दाणा ने भरी हो जिहड़ी ना चक्की नहीं जानी। असी अगले दिन उधरों चक के इत्थे लिया के रखी सी ते पता नहीं हैगा सी नहीं ते रखनी कौन सी, हुण फिर दोबारा जिहड़ा ना वक्त बन गया इत्थों चक के फिर उधर रखांगे। आ सोलर प्लेट वगैरह ते पखा मैं चक के लै के जा रहा उधर, दोवें चीज़ां चक्कियां नहीं जा रही, एक एक करके जी लै के जाने। दुकान असी कर लिए खाली, पेटियां वगैरह भी चक के उत्ते ब्रांडेड रखे आए हैं, बड़ोली भी सारी दाने दूने सारे कुंज रहे हैं, तो बाकी आखिरी रह गया स्टैंड लचकता बड़ा पे वाकई चाल सा आप दोवें जने वाला पेटियां एक बार इतने रखिया ने ते स्टैंड जो लिया कहता रखिया इनू जिनी देर फिर अगला अम्मी अबूर घर नहीं बनता उन्नी देर तक जरा ना ये अम्मी अबूर समान है इतने रखा फिर घर जो बन गया फिर उत्थे जोड़ देवे सोनी तरह। तो बेगम साहब मेरे ख्याल उत्ते हैगी बेगम साहब सुबह सुबह कपड़े धोते ने ए तो मेरे कल आले खड़े ने सारे ये हाले ते खुश खुश हो असी रात में जी सलाह की अम्मी अबूरन जरा घर बना दें क्योंकि साढ़ा तकरीबन माशाला भी घर बड़ा जबरदस्त बन गया तो रहन सहन जगह सही है लेकिन अम्मी अबू रहन की जगह नहीं सही है किसी मेहमान वगैरह भी आते ना तो वह काफ़ी सारी ना परेशानी बनी। हाँ रहन सहन उन्होंने को एक ही कमरा उनके ही रहना मेहमान आ जाने या उन्होंने जी बड़ी परेशानी बन रही हूँ तकरीबन उन्होंने समझ लग तीन उन्होंने कमरे हो जाने ने एक फ्रंट गिराज ते एक उन्होंने कमरा नाल बना के देवे सही है ते एक बैठक तीन हो जाएंगे फ्रंट ते उन्होंने हवाले कर देवे सही है हाँ परेशानी ना आएगी। तो बाकी साडा इहो मकसद हैगा सी कि असी अच्छे तरीके रह रहे हैं साडा घर अच्छा बन गया तो अम्मी अबूर का घर अच्छा नहीं सी ते आने वाले मेहमान वगैरह या सौ आते जाते हैं वह फिर ना बुरा फील होंगे कि जिहड़ा कहिंदा अपना घर तो खूबसूरत बना लिया माँ प्यो तो सोची हुआ ही नहीं है। सफाइया सफुईया हो रही ने ते कचरा जिहड़ा कहिंदा कर रहा मैं कट्ठा क्योंकि इहनू लाने अग थले पुराई दे आ गया ना तो फिर जिहड़ा ना बड़ा मसला बनता जमीन जी पोली हो जाती है सारा काफ़ी सारा गंद पिया असी अपने घर के बूहे तो गंद की रूढ़ी लाई हुई गल कर लेकिन एक हूँ इंशाला जी ने सारिया सफाइया हो जाएगी तो अम्मी बुरा तो घर भी बन जाएगा बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा इंशाला। सारे कख ही है जी लकड़ा है अस मैं चुके और रख लिया मैं बाल लवेंगे काम आवन गए तो कचरा काफ़ी सारा पिया थले सानू तो सफाई करद ऐली सफाई करके जी है ना ए सफाई करके सारी तो फिर ए वाला जेड़ा ना ए दुकान सामने खड़ी है तो यह भी बड़ी नीवी हुई पी समझ लो क्या हाथ थप्पड़ जाते तोड़ तो इस करके क्योंकि फ्रंट तो हैगा सानू बड़ा खतरा रहिंदा क्योंकि ए साइड साडा समझ लो कि ए घर आ ए जेड़ा कमरा खड़ा हैगा ए भाई दा ते ए समझ लो कि ए रोड चलता पे परलिया साइड ते इधरों दी चोर वगैरह या कोई शाय भी इधरों आके ना साडे घर दे उत्ते चढ़ सकदे ने आराम नाल क्योंकि आ देखो आराम सुकून जेड़ा है ना हाथ आराम ना पहुंच जाता इस करके जेड़ा है फ्रंट तो उच्चा हो जाएगा ना फिर यह भी फिक्र मिट जाएगी चोरां वाली या कुछ है गार्द विच बंदा आंदा जांदा ना ते बज भी जांदा पता ही सानू कोई नहीं लगदा ला दे अग जेड़ी है ना गंद नू ला दईए साइड ते हो जा भी बड़ी तेज होनी है सुकी सुके ही नहीं सारे बिलकुल हुण खुश है हुण तेरा जेड़ा ना काम बन जाएगा क्योंकि अबू नू बड़ी ना परेशानी बनती आई सर्दियां गर्मियां च ना अबू नू जिहड़ा छप्पर नज़र नहीं आ रहा टांडे मंड जिथे इत्थे सौना पैंदा सी रात नू ते ऐ तंदूरां दी फिर राखी वगैरह करनी पैंदी सी रात नू कोई चक ना लै जावे बन ना देवे तां करके हुण इत्थे बैठक बनावांगे इत्थे जिहड़ा आराम नाल सौवणगे ते उहनू बाहर ही रखांगे बाहर ख्याल भी रखणगे ते परेशानी नहीं होवेगी पुराई समझ इहदे विच तां थोड़ी जिही देणी पौणी आ मुकम्मल आ हां इन्नी उच्ची करनी है सही ऐसा समझे रोड के बराबर
चलो तू जिथे आख्या खराख ली सा आई चलो इस मोहरे ते बराबर लो वेखो किन्नी डूंगी परली वाली दुकान साडी ए तो फिर ही बराबर है समझ लो शटर लगे हुआ सी साडा अज असि बना लगे जी की बना लगे भला पकौड़े बना लगे ते बेगम साहब ने कहा कढ़ाई वगैरा जी साफ सुथरी कर ला अबू लैन गया होया आलू भी ते काफी दिन हो गए मैं आख्या अज कढ़ी पकौड़ा तो सानू बनाना कोई नहीं आता पहले दिल लगी सी मैं कढ़ी पकौड़ा बना भी है क्योंकि दही वगैरह ही मंगा ली सी सारा कुछ मंगा लिया सी लेकिन ना वाल को नहीं आता कढ़ी पकौड़ा बनावन का सानू हाँ असू पकौड़े बना लें कढ़ी पकौड़ा नहीं तो वह ना दही लै लवेंगे तो दही खा लवेंगे मिस्त्री भी रोटी भी होंगे ना ही सही है अपने भी जो टेस्ट पूरा हो जाएगा शौक भी पकौड़े बनावे अबू भी कह रहा चलो फिर मैं भी लै ली सा पकौड़े बनाओ चा मैं चलो ठीक हो गया चंगी तरह साफ कर लियो बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल सारे पैण भाइयों उम्मीद करना तो सारे ठीक ठाक हो सो अलहमदुल्ला असी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ और मैं दुआ करना सारे वेखना पैण भाई बिल्कुल ठीक ठाक अज तुहानू घर तो विखाया अम्मी अबू हुरां दा जिहड़ा घर हैगा वह भी शुरू कर दिता मैं क्या असी जिहड़ा घर खूबसूरत है एक जिहड़ा ना घर अपना बना लिया मैं क्या अम्मी अबू हुरां दा घर भी जिहड़ा ना नवा बनाना चाहिए क्योंकि अम्मी अबू हुरी देखो ना मैनू ना आप नूं बुरा फील हो रहा है देखो ना उन्होंने तकरीबन रहन सहन का बरांडा है उन्होंने परदा वगैरह ताणिया होया इत्थे सौंदे है तो भी छत बड़ी कमजोर जी तो जो बारिश वगैरह आती सी ना ये छत उत्तू जो ना पानी चुंदा सी तां करके ते बाकी ए एक उन्होंने मसलन एक आह कमरा है ए भी मसा जहा है ऐला कमरा तो यह भी समझ लो कि दुकान हैगी दुकान जो ना दरवाजा ला के तो जो ना कमरा बनाया हुआ हूँ जिथे दुकान हैगी पट के उच्चा करके उन्होंने खूबसूरत कमरा बना देवे इतने तो एक इनकी परली साइड से दो उन्होंने कमरे होवे तीसरी बैठक होगी तो उन्होंने माशाल्लाह खुला तो साफ सुथरा इंतजाम जो हो जाएगा रहन सहन का साढ़े तरह क्योंकि साढ़े ना बराबर हो जाएंगे बल्कि अपने नालों भी जी उन्होंने जगह इंशाल्लाह खूबसूरत बनावेंगे तो अब्दुल वहाब कला बैठा क्योंकि इन्हें दादी चक्की बैठी सी दादी गई है बाहर तंदूर वाले गाहक आने नाल तुहानू खाने तंदूर जिहड़े असीं वेचदे हुंदे आं रोज़ माशाल्लाह साडे अच्छे खासे जिहड़े ने ओह वी इनकम हो जांदी अज तुहाडे नाल ओह वी शेयर करने आं ते अम्मी जिहड़ी ना उधर देवण गई तब्बू बाजार गया होया तू इत्थे बैठ चल मैं तेरे नाल लै जाणा आ जा बाहर साडे तंदूरां दे गाहक आए उहनां नाल तुहानू चल के दिखाने आं साडे तंदूर किवें विकदे ने लै के शहर वास्ते जाणा किस चीज वास्ते लै जाना होटल वास्ते होटल वास्ते तो वड्डे ही सही रहने मजबूत बने भी मजबूत सारे मजबूत ने थोड़ी मुठ जी तुरी नहीं मजबूत बनाई हुई है बुज जेड़े ने समान लैके बाहर तंदूर आया उन्होंने तू तक सुबह दे खड़े ने अबू आया तेरा तुम देखो लैना छल छड़ दे ला रही सर मैं ला ली समान आया पे बेगम साहब गो रही है मिट्टी चलो गो ला मैं रखना चम अंदर रखता पे मुड़े चाह के तेन कट कुट आलू आलू ने समान अंदर रख दें बेगम साहब कर रही है जी कम काफी सारे बहना पाइया पूछना सी मेरे को की कर रही सी उन्होंने बेहतर मैं वापसी आ के दस देवा कि की कर रही है ये बना रहे तंदूरों वास्ते जो तंदूर बनाई देने तुम देख सकते हो उन्होंने वास्ते गोरी है मिट्टी तो असी तंदूर बनाते रहने लेकिन तुम दिखाया कदे नहीं क्योंकि काफ़ी सारे जोड़े है बहना भाई वो कहते हैं बेगम को कम ना कराया फिर असं कम तो मैं भी करता हाँ सुबह सुबह जी मिट्टी भी थोड़ी बहुत कुटी गई अभी रल मिल के तो फिर तुम कहते हो जो कम बेगम साहब को ना कराया करो इस करके जो है मैं दिखाता ही नहीं है कम तो अभी की रखने चुप करके लेकिन अज जहाँ मैं दिखा दिता मैं चलो कोई नहीं कदे कदे जो कम की रूटीन भी जी शेयर करनी चाहिए है अबू जी तंदूर बेच रहे हैं तुम देख सकते हो अम्मी भी हैगी अबू जी दोवें जने खड़े ने ते असी दुकान जी है ना पटाई कर रहे हैं एक साइड दुकान पट ली है तो परली जी मेन दुकान हैगी छत भी पई हुई है इसकी छत कोई नहीं हैगी तो यह वाली जी है ना तकरीबन असी हूँ पट्टांगे वाली मुकम्मल करके बेगम साहबा कट रही है जी आलू वगैरह इन उत्तू में छेल देवी ज्यादा छेल लेंदी ना लावी है बस उत्तू में आराम आराम ने छेल दे छिल के ते वाली जी मोटा पासा इन कद्दू कश कर देवी सारे आलू कितने कहन ज्यादा ना होवन बस दरम्याने की होवन तकरीबन मेरे ख्याल है तो किलो दो किलो तकरीबन किलो काट दे
किलो कद्दू का शो कर दे ते पाइया डेढ़ एक प्याज कर दे ठीक हो गया ते बाकी ए वाली जेड़ी है जिवें आपां उंज कटने आ कट के ते इत्थे वेच रखी आ वी क्योंकि मैं उदे दुकान दे जेड़ी ना पटांदा पिया इट्टां शिट्टां जिन्नी जल्दी हो गया फायदा सी क्योंकि एक जने दा काम नहीं ओह विच्चों कढ़दा पिया ते बाकी मिर्चां वगैरा वी तकरीबन अद्ध इक पाइया मिर्चां कट देवी ठीक हो गया अदरक उदरक भेजेंदे कोई नहीं पानी अपना टमाटर पाने ने बस ठीक है धनिया धनिया भी लैन दी मेथी भी अबू ने लैन दी वाह जबरदस्त काम बन जाए सुकी पई है ना मेथी सुकी पई है गिली पई मैं ना मजा ही आ जाएगा पकौड़िया का यकीन कर खीर हो जानी है ते कद्दू काश वाले बनावांगे क्योंकि ये थोड़े जे करारे बनते हैं तो जल्दी बन जाते हैं जबरदस्त करके चलो ठीक है मैं फिर चलना एक तंदूर जिहड़ा ना होर असीं सेल किया गड्डी वाले नूं कार वाले नूं मैं तुम बिजनेस भी अच्छे तुहाडे नाल शेयर हो रहा साडा बिजनेस की है इस तरह जिहड़े ने लगे टप्पिया गड्डियां ते या मोटरसाइकल ना तंदूर सेल होंदे रहिंदे ने वड्डे भी छोटे भी ते माशाल्लाह जिहड़ा ना काफ़ी घर दा सर्कट चलदा रहिंदा इहदे नाल नीयां जिहड़ियां ना बड़ियां डूगियां ने हाले तकरीबन तू जाना 5-6 फुट थले 5-6 फुट थले तक इट्टां पईयां होईयां ने बड़ियां डूगियां ने दुकानां पुरानियां ने थलों निकल रहियां इट्टां सही पईयां ने हाले खराब तां कोई नहीं होईयां मार गया बड़ा तकड़ा हा दिया वा चलो कोई नी कट ते रंबा कित्थे पिया दूआ रंबा आटो खट्टण वाला चाहिदा इट्टां पट्टां करन चलो अम्मी को पुछने कित्थे रंबा लैबा भी स्कूल च पढ़ के आ गई है बाकी किदे नी बेगम साहिबा ने कढ़ाई वगैरा भी दो लिया आलू वगैरा भी दो ले मिर्चा भी प्याज भी कट्टे पे ने सारे तकरीबन पालक मेथी धनिया जी हुण जिहड़ा ना पकौड़े बनाने लगे सारे आलू पावांगे खुला बर्तन लिया क्योंकि बेगम साहिबा ने जिहड़ा ना ज्यादा कट दिते ने काफी सारे आलू मैं तो कहना हुण भी रख ना दे खराब तो नहीं होंदे चलो बना दी फिर गवांडियां नूं वंडने पौणे ने कोई नहीं आज गवांडी खवा लई सन गवांडी मैं कहा पैंदी खवा लई सन गवांडी सारा जिहड़ा ना समान करना इन दे विच मिक्स जिहड़ी अर्श कट्टी हुई ते मसाले मसाले मैं ही पावांगा क्योंकि बेगम साहिबा नूं कोई पता नहीं कितने कितने मसाले पाने ने मसाले असीं रेसिपी नहीं असीं तुहानूं वैसे कुट लईए थोड़े जिहे चूर करके विच पा कच्चे हैगे ते आ मेथी जिहड़ी है मेथी थोड़ी पई है मेथी तकरीबन थोड़ी है चलो गुजारा हो जाए ना सावी मेथी सावी नहीं मेथी यार चलो सबज भी है ते भी है मिक्स हो जाएंगे नमक नमक हसबे जगह नहीं है थोड़ा जो कुट कुट के पा ना फिर खुशबू ज्यादा आंदी है इस तरह जीरा अबू लैन दा जीरा कोई नहीं चिट्टा ही अबू नहीं रहा अबू चिट्टा ही नहीं रहा जीरे दा चलो कोई नहीं जीरा जीरे ना वैसे जायका चंगा बनता नीमक है ना रोड़िया वाला पिसिया नहीं जा रहा बन बन के पाना पै गया चल नमक बहुत हो गया ते मिर्च चूर पाने क्योंकि बरीक जी मिर्च है ना दूसरी खत्म हुई पी मेरे ख्याल ए कुटी हुई मिर्च हैगी ये भी जड़ी बड़ी जबरदस्त होंगी है दूसरी भी है तो नाल भी पावे अच्छा इन करारी बनती है ना ता करके थोड़ा टेस्ट ते ऐ भी हैगा मिसाला ए थोड़ी जी होर पा देवी मैं ना मजेदार ही बन जा सी मसाले तकरीबन सारे पा दिते ने कुछ रहत नहीं गई मिर्चा अदरक बेसन रह गया बेसन इन हल कर ला पहले इन हल कर
मसाले नूं अच्छी तरह ताकि पता लगे मसाला जेकर थोड़ा होया तो फिर जिहड़ा होर मसाला पा लवांगे विच हल कीते जिहड़ा ना कलर भी चेंज हो जांदा हल कीते पता लग जांदा फौरन ही जिहड़ा ना कि किसी चीज़ की कमी होवे ते हांजी फिर जिहड़ा इहदे च बेसन पावांगे बेसन असीं उह लिया के रखिया होया लैबा तू बस्ता ला के रखिया तेरे वास्ते पका रहा है बड़ा बेताब हो के लैबा वेख रही है चलो ठीक है मिक्स करके हुण जदों पकावांगे तुहानूं जिहड़ा दिखावांगे असीं मसाला जिहड़ा हैगा मैं बिल्कुल तैयार कर लिया बठल दे विच बेगम साहिबा उत्ते छत ते बना रही है जी चुल्हा ते मैं खाते छत ते बह के पका लैं क्योंकि थले मिस्त्री लगे हुए ने बना लैसे हुणे इत्थे थोड़ी जी एक तां मक्खियां मुखियां कोई नहीं तां उत्ते आ ते इक थोड़ा जिहा सफाई दा निजाम उत्ते थले नालों ज्यादा उत्ते छत ते सफाई निजाम है ते मसाला जिहड़ा हैगा बिल्कुल तैयार हो गया अग जिहड़ी है ना साडी बल गई है ते इंज कर तू कढ़ाई रख दे उत्ते ते घी पा दे विच सही है ये मैं बना ली सा तू जाके रोटियां पका ला क्योंकि ना काफी लेट हो जानी अमना वेख बैठी हुई पता लमार कढ़ाई सीधी तो रख ला गरम होगी मुड़ खेणी कर सीधी कर बस इत सही अग ही बड़ी तेज बल गई एक बारी पा दे घी विच तू जाके बाल ला ना तंदूर ते रोटियां तंदूर वाली पका ते मैं जड़ा ना मैं मुड़ कला ही जड़ा है ना तल लवांगा तल के ते ओके चलो ठीक है पानी दी गिलास लिया लै जा पीवन वास्ते ते पकौड़िया का पहला पूर जड़ा मैं कढ़ के रखिया तुसीं वेख्या होना खा के पहले चेक कर रहे हैं कि हो रंगे ने मैं लून वगैरह की कमी होने तो होर पा लवांगे मैं टेस्ट जेड़ा ना ले ला कदे ना कदे चेंज करना चाहिए रोज सब्जियां सुब्जियां पकाने मैं अज जे पकौड़े बनाने चाहिए माशाल्लाह बड़े जबरदस्त जेड़े है ना पकौड़े तैयार हो रहे हैं दूसरा पूर भी जेड़ा है ना साडा तैयार हो गया कैमरा मैन ही खुद हाँ कुक भी मैं खुद बनया हुआ बेगम साहब हम रोटियां वगैरह पका रही क्योंकि ना फिर लेट हो जानी सी तां करके मैं चलो रोटियां पका ला तू लो अबू जी तुसी खाई आओ तो मैं पकाई अपना मजा तो आना ना जो दही की चटनी नाल होनी है तो नाल तंदूर दी रोटियां होनी माशाल्लाह मजा ही आ जाएगा तो पकौड़े बड़े ही बड़े जबरदस्त ने टेस्ट करके चेक किए ने मैं कहना छड़ गल्ला दे मैंने तो आप यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस तरह के पकौड़े बना कि लाए ने देखो माशाल्लाह बड़े प्यारे बने ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह पकौड़े जेड़े अगे ना बड़े ही कमाल दे तैयार होए ने तुसी देखो क्रिस्पी और लच्छा पकौड़ा अलहमदुल्ला जी जेड़ा ना तीसरा पूर भी तैयार हो गया माशाल्लाह ते बड़े ही प्यारे बने ने माशाल्लाह देखो लैबा ते अमना पकौड़े खाधी जा रही तो मैं बनाई जा रहा बस करो हूं बाकी हूं सारे पका के थले उन्हें रोटी न खवाया ठीक है हाँ बस होर नहीं हूं खाने पकौड़े जेड़े है ना काफी सारे तैयार हो गए ने ते इंज करने मैं लै जा लै ना बाकी थले आले तुसी आ लै जाओ चाह के एक ट्रे जहा हाँ लै जा चाह के मैं आले आखिरी पूर रह गया ये जेड़ा बना के ते उस प्लेट पा के लैबा तू तू ही मान थले चल मैं पे आने है
मैं घी वगैरह कुंज के लाई उसा कढ़ाई ला के उसा के आखरी पूर रह गया बस साडा आखरी पूर भी माशाल्लाह जेड़ा है ना बिल्कुल तैयार हो गया तुसी देख सकते हो ते बाकी जेड़े नबुन दे दी तेनू थले लै गया रोटियां वगैरह भी तैयार हो गई ने ते इस प्लेट जेड़ा ना पा के रखने आ बिस्मिल्लाह माशाल्लाह बड़े ही प्यारे बने ने माशाल्लाह बड़े ही प्यारे बने ने पकौड़े जेड़े है ना सारे बिल्कुल तैयार कर लेने बाकी ए बच्चे ने ते कुट रहे हैगा सी ते ए तू फड़ ला ते बाकी ए गिलास भी चाल ते ए घी गरम हैगा मैं लैके मना थले रखांगे निकले अज पकौड़े ते नाल चटनी ना रोटी पानी जी खादा जा रहा मैं आख मिस्त्रियां वाले अज जेड़ा नजायका चेंज कर दे भी रोज सालन रोटी मैं तो पकौड़े ही खा रहा चटनी च बोड़ बोड़ के अस्सलाम वालेकुम क्या चाल है सारे बहन भाइयों दे अल्लाह पाक दा शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हां ते मैं जेडियां ने कपड़े इस्त्री कर रही हां क्योंकि मिस्त्री हुन चले गए ने मैं कहा चलो कपड़े इस्त्री कर ला हां टाइम इंदा हुन लग गया क्योंकि अज ना पकौड़े वगैरह बनाए ने काफी बिजी रही आ काम ते सारा मैं कीता तू की कीता पकौड़े मैं बनाए सारा काम कीता तो ही सारा काम कीता मैं भी सारा काम ते नाले तुसी सम कमेंट करके जरूर दसना केड़ा अम्मी अबूरन जेड़ा ना घर बना के देन लगियां साडा फैसला ठीक है कि गलत है सानू कमेंट करके तुसी जरूर दसना सानू बेसब्री नाल जेड़ा ना तुहाडे कमेंट दा तुहाडे जवाब दा जेड़ा ना इंतजार रहना ते बाकी लेट काफी पहले हो चुकी है व्लॉग ही काफी लंबा हो गया सी ते दे इजाजत इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मैं दुआ करना साडे वेखण जिन्हें की पैना पैने खुश रहो बाद रहो हमेशा हसते वसे रहो ते लेकिन एक और भी गल आ कि अज अगर दिल करे तो सबसक्राइब कर दे अज काफी दिनों बाद असीं कह दिता बहुत शुक्रिया ते सबसक्राइब जरूर करना है बहुत बहुत मेहरबानी होगी बहुत शुक्रिया होगा सारे पैण भाइयों का खुदा हाफिज अल्लाह निगेबान अल्लाह पाक जिंदाबाद जी जिंदाबाद।